और ये रही दोस्तों मेरी होने वाली वाइफ। आप लोग कमेंट करते हैं कि अपना वाइफ को दिखाइए लड़की का फोटो, तो ये ही रही। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का जोड़ी कैसा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम नाश्ता कर लिए हैं और अभी लड़की गई हुई है रेडी होने के लिए, तो चलिए तब तक घूम करके आते हैं और इधर का नजारा थोड़ा दिखाएंगे। और ये देखिए दिवाली का तैयारी हो रहा है, ये देखिए पूरा एकदम लिपाई कर रहे हैं, ये घर का मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं ना वो। ठीक है, तैयारी कीजिए। और ये देखिए इधर कबूतर वगैरह है। हाँ हाँ हाँ, देखिए पहले का गांव देहात का जब तक मिट्टी का घर ही अच्छा लगता है, छत अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, अच्छा तरीके से चिकनाई है ना, साफ अच्छा तरीके से कीजिए। चलिए और ये देखिए इधर का घर का नजारा कुछ इस प्रकार है, पूरा एकदम अच्छा तरीके से मिट्टी से एकदम लेस रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ हाँ लेसिए। और फिर गोबर डालिएगा ना। हाँ तभी अच्छा हो जाए। हाँ हाँ सबको लेंगे, सबको लेंगे। सीमेंट उधर है ना। अच्छा, और ये देखिए मिट्टी एकदम लाल मिट्टी है, मस्त मिट्टी। चलिए चलते हैं उधर आगे और आगे का नजारा दिखाते हैं। चलिए और ये देखिए इधर बकरी है, सब कुछ है। और इधर एक घर गिर गया जी, इसको थोड़ा अच्छा तरीके से करना चाहिए। हाँ, अच्छा तरह से उधर कर रहे हैं, मतलब पूरा घर गिर गया। आप चलिए ना, आपको दिखा दें। हाँ हाँ चलिए। और ये देखिए ये बाबू, नाम क्या है बाबू? अनूप। अनूप, चलिए अनूप कुमार। चलिए ये वाला आप ही लोग का घर है ना। हाँ, ये देखिए यहाँ पर दोनों जानवर रहते। अच्छा, अभी तो थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है पहले। हाँ चलिए, पूरा एकदम घर गिर गया है। यहीं पे बनाएगा टेंट ना? हाँ शायद हो सकता है आपका। अच्छा होगा, चलिए बहुत ही अच्छा है। और ये दादाजी हुए ना? हाँ, दादाजी। चलिए खुश रहो। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक ठीक है ना। चलिए इधर साफ सफाई कर रहे हैं दादाजी। हाँ, पूरा चार सुबह से काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना थका हो ना। ये देखिए पहले का गेठी कांदा खाए हुए हैं ना, इसीलिए नहीं थकते हैं। चलिए तो पूरा सुबह से लगे हुए हैं। चलिए लगिए, साफ कीजिए। और आप काम किए जी? हाँ काम किए थे, दोपहर तक किए। अच्छा चलिए ठीक है, हम आ रहे थे तो ये भी अपना रेडी हो गए। और चलिए चलते हैं थोड़ा उधर धान वगैरह देखते हैं इधर का कैसा है। हम लोग का तो उधर रोपे भी नहीं है, बस दो ठो मात्र रोपे हुए हैं, उधर पानी नहीं मरा। हम इधर का सब पक गया था। इधर पूरा रोपे होंगे खेत? पूरा एकदम पूरा जबरदस्त। खाली नहीं ना है? नहीं नहीं खाली तो कोई नहीं। चलिए थोड़ा देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। और इधर का नजारा देखिए कुछ इस प्रकार है। इधर एक तो तालाब है, काफी एकदम पूरा भरा हुआ है। और उधर आगे साइड, अरे वो है जोड़ा तालाब, दो तालाब है ना, पूरा भरा भरा एकदम पूरा भरा हुआ है। पहले जैसा हो गया था लेकिन थोड़ा अभी कम पानी कर दिया था, अभी सही है। अच्छा पूरा एकदम भर जाता है ना, एकदम पूरा फुल। चलिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मछली भी पूरा एकदम पूरा मछली भी है, बढ़िया तब तो है जी। चलिए थोड़ा देखते हैं अगर होंगे तो साइड साइड मछली है ना, बहुत बहुत जिस तरह है एकदम पूरा जाइएगा। सोखता है तालाब? कभी कभी नहीं, कभी नहीं सोखता, 12 महीना ही सही। अच्छा चलिए देखते हैं दोनों तालाब कैसा है। ये तालाब तो देख लें काफी एकदम बड़ा है और पूरा भरा हुआ है, वो भी सही है पूरा भरा। चलिए उसको भी देख लेंगे, वो आगे वाला है ना पीपल से उस साइड में। अच्छा दोनों साथ लेंगे। हाँ हाँ जोड़ा है तो साथ। हाँ हाँ इसीलिए जोड़ा बांध बोल दिए ना। ठीक है, दो बांध है इसीलिए। 200 का आधा बचा नहीं तालाब पे जोड़ा तालाब। हाँ हाँ ठीक है। और ये देखिए बाबू इन लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। बोलो बाबू, पूरा खेलने में मजा अच्छा लग रहा है ना? यस भाई। हाँ हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तब ऐसे ही खेलते थे और अभी भी खेलते हैं कभी कभार, लेकिन इन लोग पूरा खाली रहते हैं ना तो पूरा खेलते हैं। पढ़ करके आ गया स्कूल से? आ गया बाबू। चलो सब बच्चा स्कूल से आ गए हैं और अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए खेलना भी जरूरी है, ठीक है खेलो है ना। चलिए चलते हैं आप उधर थोड़ा धान दिखाते हैं। चलिए भैया चलिए। और ये देखिए इधर फुटस फुल पूरा फूला हुआ है। और इधर एक तो है और एक तालाब और उधर एक तो है। चलिए तालाब का किनारे पीपल का पेड़ भी है, काफ़ी सुंदर है।
और एक ठो इमली का पेड़ है। बहुत है यहाँ पर चलिए, वो चार इमली का पेड़ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे और एक था गिर गया, बोला गिर गया ना। और ये देखिए काफी एकदम बड़ा दोनों तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। ऐसा तालाब आप लोग आपको मतलब कहीं देखने को नहीं मिलता होगा, और ऐसा फ्रेश पानी यहाँ पर सबको नहाता है। हाँ पूरा फ्रेश पानी तो पूरा अच्छा है, तो गंदा होगा या तो फिर बहुत थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन ये हमारा मतलब गांव में ना दोनों तालाब पूरा भरा भरा रहता है, काफी सुंदर है। और इसके कारण धान उधर भी पूरा टंटनाक पूरा, हाँ हाँ पूरा एकदम पक गया है धान। ये देखिए इधर पूरा पक गया है, और ये तो कटा रहा है, ये देखिए कुछ कटा रहा है। और इधर कहीं कहीं पड़ती है जी, कहीं कहीं खेत खाली है, वो वाला खेत खाली है, और उधर भी खेत खाली है। इधर कोई कुआं वहाँ नहीं है तो इसी तरह वह छूट गया, पर पानी नहीं मार रहा था। और इधर तालाब का पानी में इधर रहता, उधर थोड़ा ऊंचा इसलिए उधर नहीं रो पाया। तालाब का पानी में बहुत इधर धान बच गया इस बार, पर मछली नहीं दिखता है जी। अभी किधर गई हुए नहीं तो बहुत मछली सामने आ जाता है पूरा, कुछ चारा देने से आ जाता है। देखिए उधर देखिए मछली जो कुछ मार रहे हैं उधर, चारा वारा नहीं कभी नहीं डाला जाता यहाँ पर ऑटोमेटिकली। हाँ। इतना मछली कहाँ से मतलब पूरा आप मारे हैं कभी मछली? बहुत मारे हैं, बहुत बंसी डांग ले लो। अच्छा डेली मतलब मार आदमी को दौड़ाता था, लेकिन फिर भी हम लोग मारने में जो पहले बहुत मजा आता था मारने। ओ, ये देखिए छोटा छोटा मछली भी है, लेकिन दिख नहीं रहा है कैमरा में, अभी बच्चा दिया है। हाँ बच्चा ही सब है, यहाँ बहुत ही सारा मछली होगा जी, कभी सोखता नहीं है तो पूरा मछली होगा ना, यहाँ पर खत्म नहीं करने सकता है मछली। हाँ। फिर भी दौड़ाता है। हाँ, जो जिसका है वो। हाँ, एकदम पूरा हम लोग उधर चले जाते थे पूरा, दूसरा सरला नाम का एक और एक उधर तालाब है। नहीं नहीं हम लोग दौड़ा के उधर रहते जाते थे, उधर कूदने जाते थे ना, तालाब वाला कूद करके उधर चल जाते थे। चलिए हाँ तो बच्चा थे तब, लेकिन हाँ तो लेकिन आजकल नहीं दौड़ाते, लेकिन मारने का भी नहीं मन करता। पहले दौड़ाते थे लेकिन मारने का मन करता था, लेकिन अब दौड़ नहीं दौड़ा रहे, लेकिन अब भी मतलब मारने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया, अब दे दिया तब मारने का। अच्छा। मन नहीं कर रहा। और इधर देखिए पूरा एकदम ये भी धान पक गया है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, और ये पक रहा है थोड़ा, ये हरा हरा है, ये भी पक जाएगा कुछ दिन में। चलिए इधर धान वगैरह देख लिए और इधर का नज़ारा देख लिए, काफ़ी सुंदर है। अब चलिए यहाँ थोड़ा बैठ लेते हैं पीपल का छांव पे, बैठने यहाँ पर बहुत ही मस्त लगता है, गर्मी दिन में और भी अच्छा लगता है यहाँ पर, पूरा अच्छा लगता है ना, पूरा छाया इतना मस्त होता है ना पीपल का पेड़, पूरा गजा रहे। हाँ पूरा एकदम पूरा फिर हाँ थोड़ा दूसरा टाइप का दिखने लगता है। हाँ, लेकिन अभी पत्ता भरपूर है, पूरा एकदम हरा हरा पत्ता ही सब है, देखने में काफी सुंदर दिखता है। चलिए थोड़ा देर तक बैठते हैं और फिर चलेंगे, एकदम मस्त इधर सोते हैं ना। हाँ सो जाते, इधर उधर जाते हैं एकदम, सब पूरा सफा ऊपर था, लेकिन अभी थोड़ा चिड़िया देख सकते इधर। हाँ हाँ थोड़ा उधर खाए हैं ना फरी सब। हाँ सब गंदा हो गया, फरेगा तभी और भी चीज पूरा हो जाता है यहाँ पर। हाँ बहुत देर तक बैठ लिए, अब चलिए चलते हैं। चलिए घर तरफ भी देखना होगा, मस्त लगा बैठने में। हाँ हाँ काफी सुंदर है और हवा भी थोड़ा थोड़ा बह रहा है ना, अच्छा लगता है इधर। और ये देखिए इधर पपीता भी लगाए हुए हैं, आप ही लोग का है? ओ ये दादी का है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए घर का सामने पहुंच गए। और ये मचान किसका है जी? आप ही लोग का है? चलिए मेरा पापा जैसा आप भी काम करते हैं पूरा ऐसा ही मेरा पापा भी करते हैं। चलिए पूरा एकदम ढला ही सबको पूरा फोड़ रहे हैं, ये देखिए यही टेंट को गाड़िएगा ना। हाँ उधर गाड़िएगा, डांस कीजिएगा ना। हाँ कैसे नहीं, अपना नतनी का ब्याह हो रहा है। हाँ है? पूरा डांस करना है। हाँ बाबू ठीक है। हाँ ठीक। और ये देखिए अच्छा तरीके से प्लास्टर हो गया मिट्टी का घर, चलिए। और इधर पुट्टी हो गया है ये वाला, ये देखिए अच्छा तरीके से पुट्टी हो गया है, ये प्लास्टर हुआ है, बस ये भी अब पुट्टी होगा, बस सूखेगा और फिर पुट्टी होगा। और अधिकतर देखिए इधर खपरेला घर है ना जी, चारों तरफ पूरा एकदम। हाँ तो सिर्फ खपराई का ही घर दीजिए, ये ज्यादा यहाँ खेती बाड़ी तब होता है ना पूरा। चलिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन पूरा एकदम खपरेला ही घर है। चलिए अब यहाँ पे बैठते हैं, हम बैठ गए, अब चलिए थोड़ा देर बैठते हैं और आप लोग को लड़की दिखाएंगे, आप लोग का बहुत ही इंतजार होगा है ना। हाँ दिखाएंगे, तैयार हो रही है। हाँ और इन लोग भी अच्छा तरीके से पुट्टी कर दिए हैं, ये देखिए चलिए मस्त है। आप लोग का छत भी है ना जी? हाँ बहुत पुराना है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना। हाँ ऐसे लगभग 19-20 साल पहले का बना, पहले का जमाना का बना हुआ छत है ना, पुराना छोटा। हम लोग आए थे तभी यहीं पे बैठे हुए थे भतीज के साथ,
और पापा भी आए थे तभी। चलिए, काफी सुंदर है एकदम, पूरा खपरेला घर है ना, देख करके अच्छा लगता है। ठंडा पूरा देता है गर्मी का दिन में ना, पूरा ठंडा देता है घर, लेकिन ठंडा के दिन में फिर ज्यादा ठंडा लगता है। हाँ वो तो है, तभी छत में चल जाइएगा। हाँ, और ये रही दोस्तों मेरी होने वाली वाइफ। आप लोग कमेंट करते हैं कि अपना वाइफ को दिखाइए लड़की का फोटो, तो ये ही रही। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग का जोड़ी कैसा है, और वीडियो बनाएगी ना। हाँ, और इन लोग भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों। हाँ। इन लोग का भी चैनल है, इन लोग दोनों भाई बहन मिल करके वीडियो बनाते हैं। इन लोग का चैनल का नाम है सिंटू रीना ब्लॉग्स, तो इन लोग का भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, जैसे हमको प्यार दुलार और आशीर्वाद दे रहे हैं वैसे इनका भैया को भी दीजिएगा, ये तो मेरा घर चल जाएगी है ना। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।